साल 2024 में खेलों के महाकुंभ यानी ओलंपिक खेलों की शुरुआत 26 जुलाई से होने जा रहा है और ये खेल 11 अगस्त तक चलेगा। इस बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी पेरिस करने जा रहा है, जिसके लिए 117 एथलीटों वाले भारतीय दल ने कमर कस ली है। दरअसल 33वें ओलंपिक खेलों में दुनिया भर के 10,000 से अधिक एथलीट पदक जीतने की दावेदारी पेश करेंगे। इनमें भारत की ओर से नीरज चोपड़ा से लेकर मीराबाई चानू और निखत जरीन समेत 117 एथलीट 16 खेलों में पदक जीतने के लिए अपना दमखम लगाने वाले हैं। आइए जानते हैं ये एथलीट किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं और किस खेल में कितने खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एथलेटिक्स में 29 नाम हैं, जिनमें 11 महिलाएं और 18 पुरुष के साथ दल में सबसे बड़ा ग्रुप होगा। उसके बाद निशानेबाजी में 21 और हॉकी में 19 का स्थान है। टेबल टेनिस में 8 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जबकि बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सहित 7 प्रतियोगी हिस्सा लेंगे। कुश्ती में 6, तीरंदाजी में भी 6, मुक्केबाजी में भी 6 प्रतिनिधि होंगे। इसके बाद गोल्फ में 4, टेनिस में 3, तैराकी में 2, नौकायान में 2 और घुड़सवारी, जूडो, नौकायान और भारतोलन में 1-1 प्रतिनिधि होंगे। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में इन एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया था, साथ ही देश के खाते में कई गोल्ड मेडल डालकर देश को गौरवित किया था। ऐसे में इन खिलाड़ियों से एक बार फिर गोल्ड की उम्मीद की जा रही है और इस बार जिनसे ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है उनमें भाला फेंक नीरज चोपड़ा हैं, अशोक जेना हैं और हॉकी टीम शामिल हैं। बता दें कि पिछले ओलंपिक में भारत ने कुल 7 मेडल जीते थे, वहीं इस बार फैंस मेडल के मामले में दहाई के आंकड़े तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। इस दौरान हर किसी की नजरें बैडमिंटन इवेंट पर भी रहने वाली हैं। बैडमिंटन में महिला और पुरुष खिलाड़ी को मिलाकर कुल 7 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये 7 खिलाड़ी बैडमिंटन में भारत की ओर से 4 तरह के खेलों में हिस्सा लेंगे। ये सभी खिलाड़ी बैडमिंटन के स्टार हैं और पिछले कुछ सालों में इन्होंने दमदार प्रदर्शन किया है और कई मेडल भी अपने नाम किए। इसके साथ ही बता दें कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर भाला फेंक, जो कि सोने का तमगा हासिल करने के लिए पर्याप्त था। ये ओलंपिक एथलेटिक्स में भारत का पहला गोल्ड मेडल था। इससे उन्होंने भारत का एथलेटिक्स में ओलंपिक पदक जीतने का पिछले 100 साल से अधिक का इंतजार समाप्त कर दिया था। वहीं एक समय विश्व हॉकी में अपना दबदबा रखने वाली भारतीय टीम के प्रदर्शन में 1980 के बाद लगातार गिरावट आई। कभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने और प्रबल दावेदारी के रूप में देखे जाने वाली भारतीय टीम को 1980 के बाद ओलंपिक मेडल जीतने में 41 साल का लंबा समय लग गया। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय टीम ने जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था और पदक का 4 दशक लंबा इंतजार खत्म किया था। हॉकी टीम पिछले 5 से 6 साल से लगातार अच्छा खेल रही है और इस बार ओलंपिक में उनसे मेडल की उम्मीद की जा रही है। बता दें कि भारतीय टीम ने ध्यानचंद की कप्तानी में 1928, 32, 36 में स्वर्ण जीता था। इसके बाद 1952, 56, 64 और 1980 में स्वर्ण जीता था। 1900 से लेकर 2021 तक भारत ने हॉकी में 12 ओलंपिक पदक जीते हैं, जिनमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य शामिल हैं। ऐसे में देखा जाए तो इस बार एथलीटों से देश को काफी उम्मीद लगी हुई है कि इस बार खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे और पेरिस में भारत का तिरंगा फहराएंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।